हेलो फ्रेंड, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वेल्डर एनसीटीवीटी 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला। कुल मार्क है 50, टाइम है 3 घंटा, अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन है और ऑल क्वेश्चन का रेज इक्वल मार्क करने का। ट्रेड है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मल्टीप्लाई 0.18 मल्टीप्लाई 1000। ऑप्शन दिया है 0.0018, 0.0018 या 18 या 180। तो कैलकुलेशन करने के बाद 0.18, तो ऐसा लिखने का 18/100 मल्टीप्लाई 1000, ये दोनों जीरो निकाल देने का तो बचता है 18/10, तो आंसर आता है 180। तो ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। ऑप्शन दिया है, ये एग्जांपल दिया है 5/8, इसका डेसिमल में रूपांतर करने का। तो यहाँ पे डेसिमल आपको 50 लेने का, फिर बाद में 8 से डिवाइड करने का, तो 6 जाता है। 8/6 होता है 48, बचता है 20, 2, तो इसके ऊपर जीरो लेने का, बाद में 8/2 करने का तो 16, बचता है 40, तो 8/5 तो 40 हो जाता है, जीरो जीरो बचता है, तो डेसिमल में आंसर आता है 0.625। तो सही जवाब है 0.625, यहाँ पे मार्क करो। अगला क्वेश्चन है विच पेरस मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। कास्ट आयरन, रॉट आयरन, क्रोमियम, मीडियम कार्बन स्टील। सही जवाब है कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिंक एंड लीड, या कॉपर एंड टिन, या लीड एंड टिन। सही जवाब है कॉपर एंड टिन। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ द लेंथ इन आईएस सिस्टम इज। आईएस सिस्टम में लेंथ यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या है। ऑप्शन दिया है स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर या मीटर। सही जवाब है मीटर। अगला ऑब्जेक्टिव है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 256। तो ऑप्शन दिया है 14, 15, 16, 1.6, तो 16/16 करेंगे तो आपका आएगा 256, तो सही जवाब है 16। अगला ऑब्जेक्टिव है हीट इज मेजर बाय डैश डैश, थर्मोमीटर, कैलोरीमीटर, पॉलीमीटर, थर्मोकपल। सही जवाब है थर्मोमीटर। द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम। ऑप्शन दिया है डाइन, पाउंडल, न्यूटन, किलोग्राम। सही जवाब है न्यूटन। कन्वर्ट 0.675 इंटू परसेंट, तो इसका परसेंटेज निकालने का कैसा करने का, यहाँ पे दिखाए आपको 0.675 डिवाइड करने का है 1000 मल्टीप्लाई 100 करने का है, तो ये दो जोरो निकल जाएगा तो बचता है 67.5। इसको परसेंटेज मल्टीप्लाई करने का है तो ये परसेंटेज हो जाता है 67.5। ये सही जवाब है 67.5। अगला ऑब्जेक्टिव है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24 एज 36 इक्वल टू डैश डैश, इसको सिंप्लीफाई करने का है। 24/36 करने का, उसको डिवाइड करने का, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तो 2 बचता है, 12 से डिवाइड करेगा तो 3 बचता है, तो ये बचता है 2/3। तो ऑप्शन दिया है अपने को 2s3, ये सिंपलेस्ट करने के बाद आंसर आता है 2s3, तो ये राइट आंसर है। अगला ऑब्जेक्टिव है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी स्टार्ट अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टी।
डेंसिटी, फ्यूजिबिलिटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सही जवाब है टेनेंसिटी। अगला ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफाई इनटू ब्रैकेट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई इनटू ब्रैकेट 5 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू डैश डैश। तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला ब्रैकेट में इसका मल्टी प्लस करने का 7, 9 माइनस 5 करने का 4, तो इसके बाद 7 मल्टीप्लाई 4 तो 28 आंसर आता है। तो सही जवाब है 28। अगला ऑब्जेक्टिव है 1 किलोग्राम इक्वल टू डैश डैश पाउंड। ऑप्शन दिया है 22.05, 2.205, 4.536 या 0.4536। इसका सही जवाब है 2.205 पाउंड्स। अगला क्वेश्चन है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू डैश डैश। आंसर दिया, ऑप्शन दिया है -40 डिग्री सेंटीग्रेड या +40 डिग्री सेंटीग्रेड या -32 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला ऑब्जेक्टिव है कन्वर्ट 18/16 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन ये टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 6 इसको डिवाइड करने के बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाता है। इसको वापस पूर्णांक में बनाया तो 1 पूर्णांक 18 हो जाता है। ये सही जवाब है। ऑप्शन दिया है अपने को 1 पूर्णांक 1 डिवाइड बाय 8। ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है कन्वर्ट 3.3/14 डिवाइड 9.81/14। तो इसका इसका भी कैलकुलेशन करने के बाद आता है 9/17। ये सही जवाब होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है सिंपलीफाई 0.0881 मल्टीप्लाई 5.7 डिवाइड 1.71। इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर आएगा, पहला 0.081 मल्टीप्लाई 5.1 डिवाइड 1.71। इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 0.4617/1.71 ये हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.27 आंसर आता है। तो अपना ऑप्शन दिया है इसमें से बी ऑप्शन है सही है तो बी में मार्क करो। अब अगला ऑब्जेक्टिव है विच नॉन फेरस मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स। टिन, बॉक्स, ईटीसी। ऑप्शन दिया है कॉपर, लीड, टिन एंड जिंक। तो सही जवाब है टिन। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। ऑप्शन दिया है 2.54 मिलीमीटर टू 25.4 मिलीमीटर या 39.4 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर। कन्वर्ट मिलीमीटर में करने का है, 10 इंच का मिलीमीटर। तो आपको 1 इंच बराबर 25.4 करने का है। 1 इंच बराबर 25 पर तो 10 को कितना हो जाएगा, 254 मिलीमीटर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बराबर है, 254 मिलीमीटर। अगला ऑब्जेक्टिव है हाइपोटेनियस
ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 25 इफ वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज 24, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. तो ट्रायंगल से आपको हाइपोटेन्यूज का कैलकुलेशन करने का है. हाइपोटेन्यूज थ्योरम ट्वेंटी फाइव स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस थर्ड साइड स्क्वायर. तो 25 का स्क्वायर करने का 625, 24 का स्क्वायर करने का 556, और ये साइड निकालने का थर्ड साइड स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576. तो ये बचता है 49. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपको ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर. ये हिसाब से आपको 7 सेंटीमीटर ये सही जवाब है. अगला ऑब्जेक्टिव है कन्वर्ट 5.13% इंटू फ्रैक्शन. फ्रैक्शनल में निकालने गए. को 5.13 इसका 15+1/3 हो जाएगा तो 16/3. तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ये 16/3. ऑप्शन दिया है ए इज ए बराबर आंसर है. अगला क्वेश्चन है 16% ऑफ 500 कितना होता है. 16% का 500 16% का 16/100 करने का मल्टीप्लाई 500. तो ये उसके बाद इसका डेसिमल में आपको ये पॉइंट हो जाएगा 0.16 × 500. तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने का बचता है 80. तो 16% ऑफ 500 इज बराबर कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा. ये सही जवाब है. अगला ऑब्जेक्टिव है हीट इज ट्रांसफर्ड मोस्ट रैपिडली बाय द प्रोसेस ऑफ. ऑप्शन दिया है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन एंड कंबशन. सही जवाब है रेडिएशन. ये सही जवाब है. अगला क्वेश्चन है लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 100 कैलोरीज पर ग्राम, 80 कैलोरीज पर ग्राम या 50 कैलोरीज पर ग्राम या 0 कैलोरीज पर ग्राम. तो सही जवाब है ₹80 per gram. ये सही जवाब है. अगला क्वेश्चन है इन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 104 degree Fahrenheit. एक्सप्रेस द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल. ऑप्शन दिया है 40 degree centigrade, 50 degree centigrade, 60 degree centigrade या 70 degree centigrade. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 104 degree Fahrenheit माइनस 32 × 59 तो ये बचता है 72 × 5/9 तो 40% 40 degree centigrade ये आंसर है. तो ए ऑप्शन बराबर है. अगला ऑब्जेक्ट है द कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड. ऑप्शन दिया है रेशियो परसेंटेज प्रोपोर्शन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो सही जवाब है रेशो. अगला क्वेश्चन है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन.
विच लॉ स्टेट द अबव स्टेटमेंट? ऑप्शन दिया है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या हुक्स लॉ। सही जवाब है न्यूटन थर्ड लॉ। अगला ऑब्जेक्टिव है विच नॉन फेरस मेटल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय हैमरिंग और रोलिंग? ऑप्शन दिया है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, अलॉय स्टील, कॉपर। सही जवाब है कॉपर। अगला क्वेश्चन है एन अलॉय मेटल कंसिस्ट ऑफ 59% कॉपर, 29% जिंक एंड द रिमेनिंग लीड। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लीड इन द अलॉय। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टोटल 100% इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक प्लस लीड। सो 100% बराबर 59 प्लस 29 प्लस लीड। तो लीड बराबर 100 डिवाइडेड बाय 88%। तो बैलेंस बचता है लीड बराबर 12%। तो सही जवाब है 12%। लास्ट ऑब्जेक्टिव द मशीन टेक 5 आवर्स इन मशीनिंग 120 कॉम्पोनेंट। हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स विल इट मशीन इज 20 आवर्स? सही जवाब है बी ऑप्शन करेक्ट है 480। ये सही जवाब है। यह 30 ऑब्जेक्टिव एनसीटीवीटी 2017 में वेल्डर ट्रेड में पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ये चैनल को, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अगला वीडियो आपको तुरंत मिलेगा, और कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।